नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR Blogs में। दर्शकों, अभी मैंने एक पॉजिटिविटी की जो शुरुआत है वो की है, इसी के तहत मैं हॉस्पिटल सीरीज़ की जो दूसरी वीडियो है वो लेकर आ गया हूं। इस वक्त जो जिस जगह मैं खड़ा हूं ये है दोस्तों, पांडेपुर में बना ESIC का जो हॉस्पिटल है, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बताना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें हर तरह की जो सुविधाएं वो दी गई हैं, साथ ही जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड है हॉस्पिटल का वो बहुत ही हाई है। आपको देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अपोलो या इस टाइप के किसी हॉस्पिटल में आ गए हैं। चूँकि आप जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा पहले नहीं था, लेकिन ये अभी 2-3 साल पहले ही जब गवर्नमेंट आई है उसके बाद से ही ये बना है। ये देखिए, ये है आपका सुपर स्पेशियल्टी यहाँ पे ब्लॉक बना है। पहले भी ये हॉस्पिटल था यहाँ पर, लेकिन इस तरह का नहीं था। तो आइए, आज की जो वीडियो है उसके हम लोग करते हैं शुरुआत, और मैं आप लोगों को जो आगे की चीज़ें वो यहाँ पे दिखाता हूँ और बताता हूँ। हॉस्पिटल, ये देखिए, ये आपको इधर देखिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है दोस्तों ये। तो आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ के OPD में, और यहाँ देखिए क्या क्या फैसिलिटीज है। आइए चलते हैं यहाँ की OPD में और देखते हैं यहाँ क्या है। रजिस्ट्रेशन, OPD का रास्ता। और ये देखिए, यहाँ पे अस्पतालों में आपने देखा होगा स्ट्रेचर ले जाने के लिए ये बना रहता है। तो आइए हम लोग इससे चलेंगे। तो दर्शकों, देखिए, मेरा हॉस्पिटल्स की वीडियो दिखाने का उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो जरूरत की मुद्दे की चीज़ है, वो लोग देखें और उसके बारे में जानें। मेरा मुद्दा यही है, अगर आप लोग देखिए शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी और मेरी मेहनत हो जाएगी ज़ाया। तो आप लोग मदद कीजिए हमारी। आइए यहाँ मिलते हैं। तो दर्शकों, अब हम ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो सहायक निदेशक हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में। सर जी, अपना शुभ नाम बताइए। मैं प्रवीण कुमार सिंह, सहायक निदेशक ESIC हॉस्पिटल वाराणसी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल आपका कब बना था? वैसे तो ये पुराना हॉस्पिटल है, पहले ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन होता था। चूँकि ESIC स्कीम जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों की भागीदारी से चलती है जी। लेकिन जब केंद्र में BJP की सरकार आई और मोदी जी जब यहाँ से सांसद चुने गए, उसके बाद 2016 में इस अस्पताल को ESIC ने टेक ओवर किया, मतलब भारत सरकार ने टेक ओवर किया, और आज ये अस्पताल फुली भारत सरकार द्वारा रन है, ESIC द्वारा रन है, इसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। अच्छा, जैसा कि मतलब आपने बताया कि ये जो हॉस्पिटल है ये आपका मतलब जो इसका अनुदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इसको मतलब उसके अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये हॉस्पिटल मतलब जब केंद्र सरकार ने लिया, तो इसको पूरा बनाने में अंदाजन लगभग कितनी लागत आई होगी? उस समय की जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी जिसमें अभी हम लोग बैठे हुए हैं, उसको डिमोलिश नहीं किया गया, और पीछे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स वगैरह सब मिला करके अनुमानतः 150 करोड़ की लागत थी जिससे ये अस्पताल बन के तैयार हुआ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे मतलब कितने बेड का ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएँ हैं मेन जो आप बताना चाहें तो वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। इस समय 150 बेड का अस्पताल है ये, और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी कैंसर, कार्डियो और यूरो, इसमें पीडियाट्रिक सर्जन
और आर्थोसर्जन, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और गैनकोलॉजी, ये सारे विभाग परिचालित किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ सीटी स्कैन की भी फैसिलिटी है और यूएसजी एंडोस्कोपी भी इस परिसर के अंदर हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ये जो अलग अलग तरह की जो सुविधाएं हैं वो मरीजों को दी जाती हैं, तो यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं वो आपका, जैसा कि आपने बताया, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय ये है, तो अगर मान लीजिए कोई सामान्य जो व्यक्ति है जो कि कर्मचारी वगैरह नहीं, आम जो जनता है, अगर उनमें से कोई यहाँ आके दिखाना चाहे तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, और जो दवाएँ वगैरह हैं या फिर कोई जो दूसरे तरह के खर्चे हैं वो उस पर लागू होता है या नहीं लागू होता, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईएसआईसी जिन वर्कर्स का पे होता है, मतलब जो भारत सरकार की जो स्कीम है उसकी तरह आच्छादित हैं, उसके तहत उन्हीं लोगों का इलाज होता है। लेकिन सरकार ने एक और स्कीम शुरू की कि 10 रुपये की पर्ची पे कोई भी ओपीडी सलाह यहाँ से ले सकता है। बाहर जैसे जाएंगे अगर प्राइवेट सेक्टर में तो 500 से किसी की कम फीस नहीं है। यहाँ पे वो आदमी आ करके 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा करके और ओपीडी ले सकता है। हालांकि चूँकि प्रायोरिटी हमारी ईएसआईसी रजिस्टर्ड लोगों की है और इस समय ओपीडी तकरीबन 1000 पर डे की हो रही है, और चूँकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए हम बाहर के लोगों को और सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। उसके बारे में ऑलरेडी बातचीत चल रही है, अगर कुछ यहाँ पे स्टाफ बढ़ते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं तो हो सकता है भविष्य आने वाले भविष्य में बाहर के लोगों को भी यहाँ पे इन हाउस की व्यवस्था मिले। वैसे ओपीडी सबके लिए है, कोई भी आए 10 रुपये के रजिस्ट्रेशन शुल्क पे अपना इलाज, मतलब अपने को डॉक्टर को दिखा सकता है यहाँ पे। बाकी उसके जांच की अभी सुविधा यहाँ पे नहीं है। और एक चीज़ जानना चाहेंगे हम लोग कि मान लीजिए जो ईएसआई में कवर व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसका कोई बड़ा ऑपरेशन हो, जैसे कि कैंसर का ऑपरेशन हो या फिर कोई भी जो बड़े इलाज हैं या फिर महंगी इलाज हैं, वो यहाँ पे संभव है या उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा? जैसा आपने बोला कैंसर के लिए हमारे पास एक स्पेशलिस्ट ट्वाइस इन अ वीक अभी अवेलेबल हैं और हम लोग कीमो इस अस्पताल में ही प्रोवाइड करा रहे हैं। रेडियो के लिए और बाकी जैसे पेट स्कैन वगैरह के लिए हमारे टाइप्स हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे जो ईएसआईसी में रजिस्टर्ड बंदा है उसको रेफ़र किया जाता है, और अगर वो पात्र है, अगर उसकी पात्रता है तो वहाँ पे बगैर पैसे का उसका इलाज होता है। हमारे कई सारे हॉस्पिटल से रेफरल सिस्टम है, अलग अलग हॉस्पिटल से अलग अलग विभागों का रेफरल है, जैसे कार्डियो का किसी में है, न्यूरो का किसी में है, कैंसर का किसी में है, और जो हम यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते, हमारे यहाँ सुविधा नहीं उपलब्ध है, उन पेशेंट्स को हम वहाँ पर रेफ़र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका क्या शुभ नाम भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ सर। जितेंद्र, हाँ, हम यहाँ के केयर टेकर हैं। तो दर्शकों, जितेंद्र कुमार जी आज हमें इस हॉस्पिटल का विजिट करवाएंगे। अभी हमारी मुलाकात हुई है यहाँ के जो सह निदेशक हैं उनसे, उन्होंने ही इन्हें असाइन किया है। इधर आइए सर, ये देखिए हमारा ये प्रशासन। ये दर्शकों आप देख सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यहाँ का। ऑपरेशन थिएटर है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका ऑपरेशन थिएटर है और NICU। ये क्या बच्चों के लिए रहता है, गाय के लिए रहता है ना? और PICU क्या रहता है? सब बच्चा का वार्ड है सर। अच्छा, ये सब बच्चे का वार्ड है। इधर भी लेबर रूम आपका इस साइड, ये हो सकता है हम ना समझे। ये आपका मैसेज रूम है, ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये आपका दवा वितरण, यहीं पर दवा मिलती है। तो दवाई पूरी फ्री रहती है, कैसा रहता है ये? हाँ, दवाई फ्री रहती है। आइए बढ़ते हैं आगे, आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे। अरे गुप्ता जी, तो दर्शकों जैसा कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले आप आएंगे हॉस्पिटल के विजिट करवाना है तो आपको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ये आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 गज की दूरी मास्क जरूरी।
यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पर ये लिखा रहता है कि कौन से डॉक्टर आज बैठेंगे, कौन नहीं बैठेंगे, किसका ओपीडी चल रहा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ, टोकन नंबर बटता है, टोकन की ये जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ, चार्जेस लगते हैं कोई या फ्री है? निःशुल्क चार्ज है पूरी तरह से। जिनका ईएसआई कटता है उनका निःशुल्क चार्ज है, ठीक है। जिनका ईएसआई नहीं कटता है, अगर वो डॉक्टर से परामर्श मतलब सलाह लेना चाहते हैं, ₹10 का शुल्क चार्ज लगता है, वो डॉक्टर से जाके अपना पूरा सलाह ले सकते हैं, और अगर कोई चार्ज नहीं है। इस साइड आप देख सकते हैं, ये कैजुअलिटी है, ओपीडी है, आपातकालीन इमरजेंसी है। ये आप हॉस्पिटल देख सकते हैं कितना हरा भरा है, यहाँ पे ग्रीनरी है, और ये आपका इमरजेंसी वार्ड है। एक बेड है और एक दो बेड यहाँ पर है, और सारी फैसिलिटीज जो आप देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल आधुनिक स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। हाँ, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो ये सबसे पहले ये देखिए। हाँ सर, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, अभी ड्यूटी में है सर, इमरजेंसी के डॉक्टर हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर रमेश कुमार। तो रमेश जी, ये बताइए कि इमरजेंसी में, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी तो 24/7 है, तो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ यहाँ पे, मतलब डॉक्टर की जो ड्यूटी लगती होगी वो तीन शिफ्ट में लगती है या कैसे होता है? तीन शिफ्ट में लगती है, तीन शिफ्ट में, आठ सुबह, इवनिंग और नाइट। तो आप अभी सेकंड शिफ्ट में हैं, तो ये बताइए किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, अगर कोई जैसे मतलब इमरजेंसी में तो दिक्कतें तो आएंगी, तो किस तरह की अभी तक आपको दिक्कतें जैसे आती हैं बेसिक तौर पर, अगर आप बताना चाहें? बेसिक तौर पर अगर अटेंडेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे अटेंडेंट आ जाते हैं यहाँ पे एक पेशेंट के साथ। हम लोग बोलते हैं कि मतलब उसके परिवारजन, परिवार के साथ में उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं, साथ में बहुत सारे नेताजी आ जाते हैं, वो कोई बोलता है हम छात्र नेता हैं, कोई बोलता हम इसके बीजेपी के ये हैं, या कोई मतलब इस तरह के बोलते हैं जो बाधा डालते हैं हमारे उसमें, आपके काम में मतलब बाधा डालते हैं। तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इन्हें क्या मेंटेन रखें? कहने का हमारा सिर्फ यही है कि अगर पेशेंट लेके आए हो, हमें देखना है पेशेंट को, हम तो ट्रीट करेंगे, कोई भी पेशेंट है हमारे लिए, हम सबको ट्रीट करते हैं, इमरजेंसी बेसिस पर सभी को ट्रीटमेंट करेंगे, फिर जैसा उसका कंडीशन होगा उस तरह से इलाज करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि आप देख नहीं रहे, या कुछ लोग बोलते हैं कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, या कुछ लोग अपना पावर दिखाने लगते हैं हम उसके हैं उसके हैं, लेकिन जो कंडीशन रहेगी पेशेंट की हम तो उसी के हिसाब से देखेंगे। और अगर पेशेंट के पे डिपेंड करता है कितने लोग हैं, मतलब भीड़ है, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं तो सबको देखना होता है मैनेज करके, मतलब बोलते हैं नहीं कि सिर्फ हमारे ही को देखे, इस तरह से परेशानी आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो पेशेंट्स की संख्या है बेसिक तौर पर, तो एक दिन में लगभग कितने पेशेंट अटेंड हो जाते होंगे अंदाजन? एक दिन में 36 अभी नाइट का है, मतलब कल का शिफ्ट का मिला के 36 था, तो कभी 30 आ जाते हैं, 36 कभी 25, अमूमन इतने रहते हैं इमरजेंसी में केवल। ऐसे डेली मैंने 900-1000 के करीब ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे ओपीडी में जो हुआ आ रहा है ना पेशेंट, 900-950-1000 के करीब डेली रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो सब जगह जाके दिखा। नहीं, मैं अभी सिर्फ यही इमरजेंसी का पूछ रहा था। 36, 35। तो जैसे इमरजेंसी में आपका नाइट में ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं या डे में, ऐसा कुछ है कि डिपेंड करता है? ऐसा कुछ नहीं है, सब डिपेंड करता है कि कभी आते हैं कब नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ECG की व्यवस्था है, ये आपका ECG रूम है। ये क्या बना हुआ है भाई, क्या है ये? दवा जो है टोकन से बढ़ता है। कैसे निकलता है दिखाओ, एक बार से बताएंगे। तो ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है ये टोकन निकालती है, फिर इस टोकन से क्या होगा? और वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो क्या चीज़ है? और वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर, वो रजिस्ट्रेशन भी यही चीज़ है? सेम मशीन वहाँ पे, नहीं तो ये टोकन नंबर किस लिए है मतलब? अच्छा, ये दवा लेने के लिए टोकन नंबर है, और वो डॉक्टर को दिखाने वाला टोकन अलग है। अच्छा, दवा लेने के लिए यहाँ टोकन ले लेंगे और बैठ जाएंगे, जब नंबर कहाँ आएगा? अच्छा, यहाँ आएगा नंबर। तो दर्शकों, यहाँ से आप लेंगे दवा लेने के लिए टोकन, और यहाँ पे आएगा आपका डिस्प्ले, यहाँ लगा हुआ है, जब आपका नंबर आएगा तो आप जाके दवा ले लीजिएगा। तो अब दर्शकों, हम लोग चल रहे हैं सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक है वहाँ पर।
ये आपका रिसेप्शन काउंटर है, सिक्योरिटी गार्ड सब आर्मी रिटायरमेंट है, ये सारे आर्मी रिटायर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे रखे गए हैं। रिसेप्शन है, MRI यहाँ पर, अल्ट्रासाउंड सब कुछ है, 2D इको ECG सब कुछ है दोस्तों। ये आप यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप किसी अपोलो हॉस्पिटल में आ गए हैं। सेट ऑफ जो स्टैंडर्ड है हॉस्पिटल का वो इस तरह का रखा गया है, लगा है ये आपका जो है, ये क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ हाँ समझ गया, ये दोनों ना। और ये क्या है, यूरोलॉजी। थोड़ा बेसिक भाषा में समझाएंगे हमारे दर्शकों को, यूरोलॉजी जो मूत्र रोग से संबंधित होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, यूरिन से। आइए आगे चलते हैं, नेफ्रोलॉजी। दोस्तों नेफ्रोलॉजी जो है आपका किडनी से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं हार्ट वगैरह से। पेडियाट्रिक सर्जरी, ये क्या है, जो बच्चा वाला होते हैं। अच्छा छोटे बच्चों के लिए जो रहता है, कोई बात नहीं। और ये आपका सर्जरी का है, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम है। अच्छा अच्छा, स्पेशलिस्ट है सर्जरी का। ठीक है सर, तो ये आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ डॉक्टर लोग हैं, पारा मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो भी है। अच्छा, सब यहाँ रह रहे हैं। बस 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 बस, ये जो आप देख रहे हैं ये हॉस्पिटल के पीछे का भाग है, और यहाँ पर आपका जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सबके लिए यहाँ पे देखिए क्वार्टर्स बने हुए हैं। कितना फ्लोर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फ्लोर का ये बना हुआ है दर्शक। तो ये दोस्तों यहाँ की रसोई है, किचन। कृपया किचन में बिना मास्क वर्जित है, वो क्षमा कीजिएगा। और कैंटीन कहाँ है, देखिए कैफेटेरिया है, जो होटल स्टाफ, अरे जो आपका हॉस्पिटल स्टाफ है, देख लीजिए। लिमिटेड है, छोटा सा है, लेकिन बहुत ही प्यारा बनाया है। तो दर्शकों हम लोगों ने पूरा जो हॉस्पिटल है वो देख लिया है। तो ये जो दो हमारे मित्र हैं, इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, आइए इनका भी फीडबैक एक बार ले लेते हैं। एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए। अजय कुमार गुप्ता, ARM सुपरवाइजर। आप ARM सुपरवाइजर हैं, आप जो भी यहाँ मेंटेनेंस। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ सर, हम यहाँ का केयर टेकर हैं, यहाँ जो भी देखभाल करना मेरा ही काम है। तो दर्शकों जैसा कि देखा आपने, हमने आपको पूरी तरह से ये जो हॉस्पिटल है इसकी सारी चीज़ें दिखाई बताई, और आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे पूरी तरह से दी। दोस्तों देखिए बड़ी मेहनत करके और बड़ी मतलब बड़ी निष्ठा से ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए जो स्वास्थ्य है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम अलग अलग तरह की वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं वो हम देखते नहीं हैं। पर ये भी कहना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि जो YouTube है वो इस तरह की चीज़ों को बहुत कम प्रमोट करता है। जनरली वो तड़क भड़क वाली जो चीज़ें रहती हैं उसी को ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा बताते हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो आपके ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं, उनसे भी हमें जुड़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो तभी ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी जब आप इसे शेयर करेंगे। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि हमें इन तरह की जो शुरुआत है इसे करने में काफ़ी तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे व्यूज़ कम आते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो कम आती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ पर लगा रहूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लगातार हमारे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिगूंगा नहीं। तो इसी के साथ मुझे आप लोगों का जो साथ है वो चाहिए, ताकि हमारी जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हों, और समाज में जो नेगेटिविटी फैली हुई है उस चीज़ को हम लोग दूर कर सकें, थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें हम लोग दिखा सकें। कि देखिए बुरा तो हर कोई दिखा ही रहा है, तो जो अच्छा हो रहा है कम से कम वो तो कोई ना कोई दिखाए ही। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इस तरह की जो वीडियोज़ है वो बना रहा हूँ। शुरुआत में मुझे लगता है कि व्यूज़ भले कम आएँ, लेकिन बाद में अगर व्यूज़ नहीं भी आएंगे तो भी दोस्तों मुझे लगता है कम से कम
कुछ अच्छा काम तो करना ही चाहिए अपने जीवन में। तो इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे करता हूँ समाप्त। आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि YouTube दोस्तों इस तरह के वीडियोस को इम्प्रेशन भेजता नहीं है। तो आप लोगों की मदद के सहारे ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। यहाँ से चल रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का माहौल है जो ये बना हुआ है।